जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल डॉक्टर ओम शो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों, बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक यह प्रश्न होता है कि मकर राशि के जातक को वाणी पर क्यों कंट्रोल रखना चाहिए, वाणी पर शब्दों से क्यों वो हेर फेर हो जाता है, और बहुत से लोग उनके बोलने से क्यों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सच बोलते हैं आप, सबसे पहली बात। तो दोस्तों, अगर आप सच बोलते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखेंगे और वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सच बोलना एक अच्छी कला है और आप सच बोलते हैं। आपके साथ तकलीफ ये है कि जो दूसरे लोग हैं आपके मुँह में बात डालना चाहते हैं, किसी भी बात को अपने मुँह में डालवाना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी बात है, अगर उस बात को आपके मुँह में कोई डलवाता है तो यह बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए बिल्कुल सही इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत भावुक हैं, सचवादी हैं और आप उसे सच समझ लेते हैं। सच कुछ और होता है और सच की कल्पना कुछ और होती है, और जो हमें बताने वाला व्यक्ति होता है वह चाहता है कि यह इस तरह से हो। तो पहला निवेदन है आपसे कि कभी भी किसी व्यक्ति के बातों में आप ना आए और सच और झूठ का फैसला वहाँ से ना ले। दूसरे नंबर पर आता है आपके बहुत से जातक, कुछ 15% ही ऐसे जातक होंगे जो गालियों का प्रयोग करते हैं अपने आम बोलचालों में। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप करते हैं तो उसे मत करें, वो भूल जाएं आप, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें आपको गलत होती है। आप किसी भी जगह जाकर आपकी जो आदत है वो गाली से बात करने की, तो गाली निकल आती है और कई बार ये माहौल ख़राब हो जाता है और इम्प्रेशन भी ख़राब होता है, कई सारी परेशानियाँ। तीसरे नंबर पर है जो जातक अपनी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, ऐसे बहुत कम जातक है, लगभग 2-4% ही जातक हैं, उनको भी मैं चेतावनी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी महिला से, अपनी पत्नियों से गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें गाली गलौज मार और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों बंद कर दें। मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आपकी किस्मत के दरवाजे अगर आप खोलना चाहते हैं तो महिलाओं के सम्मान से ही खुलेंगे, इसके अलावा कोई अलग दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मी है, देवी है, माँ है। तो प्लीज़ इस बात को मेरी माने, मैं पूरा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को मेरी मानेंगे। बहुत से जातक मेरी हर बात को मानते हैं और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। चौथी बात है, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बातें सोचें, सकारात्मक लोगों के बीच रहें और सकारात्मकता के साथ ही एक थॉट प्रोसेस जो है, पॉजिटिव सोच को, अप्रोच को, सकारात्मक सोच को अप्रोच करें और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें। किसी भी चीज़ को गलत भी हुआ है उसे भी पॉजिटिव लें, तो आपको सच सामने दिखाई देगा। और क्या खोया क्या पाया, यहाँ तो चलता ही रहता है, तो पाना खोना हमेशा चलता रहता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री महाकाल, वीडियो को लाइक करें। जय महाकाल, जय महाकाल।